हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 के अकाउंटेंसी का चैप्टर 15, जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा बिलोंग करेगा जब हमें क्रेडिट बैलेंस गिवन होगा पासबुक का। और जब भी आपको क्रेडिट बैलेंस गिवन होगा पासबुक का, क्या लॉजिक आपको लगाना है? आपको पासबुक के बैलेंस को कैश बुक तक ले जाना है। कहने का मतलब ये, अगर आपको ट्रांजेक्शन पढ़ के ये पता चलता है कि इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया, तो उस पर्टिकुलर अमाउंट को प्लस आइटम में मेंशन कर दीजिए। अगर आपको ट्रांजेक्शन पढ़ के ये पता चलता है कि इससे कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, तो उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के अमाउंट को माइनस आइटम में मेंशन कर दीजिए। पासबुक के बैलेंस को कैश बुक तक ले जाना है, इस बात को याद रखिएगा। आपको अमाउंट को मेंशन करना होगा प्लस आइटम में या तो फिर माइनस आइटम में। अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ही बनानी है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सॉल्यूशन को। तो फॉर्मेट इस तरीके का होगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है बैलेंस एज पर पासबुक ऑन 31 दिसंबर 2014 इज 11,000। ये हमें क्रेडिट बैलेंस गिवन है पासबुक का, सेम मेंशन कीजिए क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। और क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो पास प्लस आइटम में मेंशन कीजिए 11,000। इसके बाद हमें क्या गिवन है, इसके बाद हमें गिवन है चेक ₹4,6200 वर इशूड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर, बट आउट ऑफ दिस चेक ₹4,900 वर प्रेजेंटेड इन द मंथ ऑफ 2015 एंड वन चेक ₹500 वाज नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। देखिए चेक इशू किया 6200 रुपीज का, जब हमने चेक इशू किया तो हमने हमने क्या किया होगा, कैशबुक में उसी समय अपना बैलेंस को कम कर दिया होगा। बट पासबुक में तो 900 रुपए का एक चेक और 500 रुपए का चेक तो शो ही नहीं करे। 900 रुपए का चेक जनवरी मंथ में शो कर रहा है, 500 रुपए वाला चेक तो शो ही नहीं कर रहा है। मतलब की अब क्या इसका इम्पैक्ट क्या होगा इसको समझिए, कि जब हमने 6200 रुपीज उसी समय कैशबुक में से कम कर दिया, पर पासबुक में तो 6200 कम ही नहीं हुए क्योंकि दो चेक तो उसमें शो ही नहीं कर रहे, तो पासबुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा कैशबुक का बैलेंस कम शो करेगा। आपको पासबुक के बैलेंस को कैशबुक तक ले जाना है, तो 900 प्लस 1400 को आपको माइनस आइटम में मेंशन करना होगा। आप मेंशन करेंगे चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, 900 प्लस 500 करेंगे तो ये आपका 1400 आएगा, जिसको माइनस आइटम में मेंशन कर दीजिए। सेकंड ट्रांजेक्शन में गिवन है चेक एंड कैश अमाउंटिंग टू ₹5700 वर डिपॉजिट इन बैंक ड्यूरिंग दिसंबर, बट क्रेडिट वाज गिवन फॉर 4700। अब देखिए चेक और कैश के थ्रू पैसा जमा कराया था बैंक में 5700 रुपीज का, बट क्रेडिट हुआ है बैंक में 4700 रुपीज का। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा, जब हमने पैसा जमा कराया होगा तो कैश बुक में तो उसी वक्त हमने कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज कर दिया होगा, पर पासबुक में तो 4700 रुपीज शो हो रहे हैं, तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा, पासबुक का बैलेंस 1000 रुपए से कम शो करेगा। तो आपको पासबुक के बैलेंस को कैश बुक तक ले जाना है, तो आपको प्लस आइटम में मेंशन करना होगा। आप मेंशन कीजिएगा चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड और 1000 रुपीज के डिफरेंस को प्लस आइटम में मेंशन कर दीजिए। इसके बाद हमें क्या ट्रांजेक्शन गिवन है, इसके बाद हमें गिवन है कस्टमर हैड डिपॉजिट ₹850 इनटू बैंक डायरेक्टली, कस्टमर ने ₹850 हमारे बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट करा दिए। तो इसका इंपैक्ट क्या हुआ, इसका इंपैक्ट ये हुआ कि पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया और कैशबुक में तो हमें पता ही नहीं चला, तो कैशबुक का बैलेंस कम शो कर रहा था। जब पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया है और आपको पासबुक के बैलेंस को कैशबुक तक ले जाना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको पर्टिकुलर अमाउंट को माइनस आइटम में मेंशन करना होगा, तभी हमारा कैशबुक और पासबुक टैली होगा। यहां मेंशन कीजिएगा डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर और 850 को माइनस आइटम में शो कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें गिवन है द बैंक हैज क्रेडिटेड द मर्चेंट ₹150 एज इंटरेस्ट एंड हैज डेबिटेड ₹330 एज बैंक चार्जेस फॉर विच देर इज नो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री इन कैश बुक। देखिए यहाँ पे दो बातें हैं, एक तो 150 का क्या हुआ है, 750 क्रेडिट हुआ है बैंक में, क्रेडिट हुआ है तो पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा और कैशबुक में इसका कोई इंपैक्ट नहीं हुआ। तो क्या होगा कि पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया, कैशबुक में इसका इंपैक्ट नहीं हुआ, तो कैशबुक का बैलेंस कम शो कर रहा था। तो पासबुक के बैलेंस को कैशबुक तक ले जाना है, तो 150 को माइनस आइटम में शो करना होगा और ₹30 बैंक चार्जेस है, तो बैंक का बैलेंस कम हो गया होगा, पासबुक का बैलेंस ज्यादा शो हो रहा होगा। तो पासबुक के बैलेंस को कैशबुक पे ले जाने के लिए आपको ₹30 को प्लस आइटम में मेंशन करना होगा। सबसे पहले मेंशन कीजिएगा आप इंटरेस्ट अलाउ बाय बैंक और ये ₹150 को आपको माइनस आइटम में मेंशन करना है। सेम इसी तरीके से आपको मेंशन करना है बैंक चार्जेस और ₹30 को आपको प्लस आइटम में मेंशन करना है। अब आपको करना है टोटल, तो टोटल देखिएगा हमारा टोटल जो होगा वो हमारा प्लस आइटम का ज्यादा होगा, जो कि 12,030 रुपीज होगा। इसमें से आप ये तीनों माइनस करेंगे तो ये आपके पास जो आएगा वो होगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, कितना आएगा 9,630 रुपीज। तो यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।